वजीर इत्तलात और उनकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि इससे शानदार तराना नहीं बनाया जा सकता था। और आज 21 तारीख के हवाले से नवाज शरीफ का जो फकीदुल मिसाल इंशाल्लाह जो इस्तकबाल यूथ विंग ने करना है, MSF ने करना है, वुमन विंग ने करना है, नौजवानों ने करना है, बुजुर्गों ने करना है, बलोचों ने करना है, पठानों ने करना है, पंजाबियों ने करना है, सिंधियों ने करना है, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने करना है। ये तराना उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं आप सबको आपका जोश और जज्बा और आपका जवां और सादिक जज्बा देखकर मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि 21 तारीख को मीनारे पाकिस्तान के मैदान में आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पुरजोश और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके मियां नवाज शरीफ का मान रखना और पाकिस्तान का मान रखना है आपने। मेरे यहां पर पार्टी के जो जो मां बैठे हैं, मैं उनकी खिदमत में भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने सबने मिलकर इस मौके के ऊपर पाकिस्तान भर में और पंजाब में जिस तरीके से नवाज शरीफ की तहरीक चलाई है और नवाज शरीफ के लिए जिस तरीके से अवाम के जज्बात को गरमाया है और वो पुरानी यादें ताजा की हैं, नवाज शरीफ इंशाल्लाह आएगा तो इन तमाम कामों को दोबारा शुरू करेगा। आएगा भी आएगा, आएगा भी आएगा, आएगा भी आएगा, आएगा आएगा भी आएगा, 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 और ये सब कुछ वापस लेके आएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आजम नवाज शरीफ, अभी नहीं, अभी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सिक्योरिटी साइड पे हो जाए या ग्रुप फोटो खींचनी है, आप लोग साइड पे रहें, साइड पे रहें सब लोग, सब आगे आ जाए, वहां खड़े हो जाए। आओ दिल से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा आया दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त कड़ा आया दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से।
से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, मुश्किल से निकालो। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को इर्तकाई प्रोसेस से गुजारा है, एवोल्यूशन से गुजारा है और एक नई जमात बनकर उभर रही है जिसको मॉडर्न लाइंस पे हम देख रहे हैं उस्तवार होता हुआ, तो ये यकीन हो चला है कि माजी भी मुस्लिम लीग नून थी, हाल भी मुस्लिम लीग नून है और इंशाअल्लाह ताला हमारा फ्यूचर भी मुस्लिम लीग नून होगी। मैं मरियम औरंगजेब को खसूसी तौर पर शाबाश देना चाहूंगी कि उन्होंने बेहतरीन सलाहियतों को बरुए कार लाते हुए प्रेसिडेंट से मुझसे मशावरत के साथ उन्होंने जिस तरह से ये पार्टी की कैंपेन, नवाज शरीफ साहब की आमद की कैंपेन तैयार की है उसमें उन्होंने बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, उन्होंने बेहतरीन फीकन माइंड्स का इस्तेमाल किया है। तो मरियम औरंगजेब आप कहाँ हैं, आप मुझे नजर नहीं आ रही। मरियम औरंगजेब, आई मस्ट टेल यू दैट यू हैव डन अ स्टेलर जॉब, वी आर सुपर डुपर प्राउड ऑफ हर। मैं एक बात कहकर फिर दावत दूंगी प्रेसिडेंट पीएमएलएन को, ये जो तराना अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं ये तराना सिर्फ तराना नहीं है, इसमें मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ साहब की और जमात की सियासी उतार चढ़ाव की ये कहानी है जो कि बहुत हैं। आज मैं उसकी बात नहीं करना चाहती क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, आज नवाज शरीफ साहब का जो मुखालिफ है वो भी नवाज शरीफ के रास्ते पर नजरें लगा के बैठा, उसको पता है नवाज शरीफ आएगी तो मुल्क का पहिया चलेगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो तराना है ये आपको बताएगा कि जब नवाज शरीफ का नाम आपके जहन में आता है तो क्या तस्वीर उभरती है उसकी। और ये आजी से मैं कहना चाहती हूं कि नवाज शरीफ को बनाने वाले मिटाने वाले कई आए कई चले गए, इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को पूरी दुनिया देखेगी कि नवाज शरीफ का एक अरूज, पाकिस्तान का एक और अरूज इंशाअल्लाह ताला हम देखने जा रहे हैं 21 अक्टूबर को। और मैं अब दावत दूंगी, एक मिनट आप लोग, अब मैं दावत दूंगी, बात सुने, मैं एमएसएफ को शाबाश देती हूं, मैं यूथ विंग को शाबाश देती हूं, मैं वेरी गुड, मैं खवातीन विंग को शाबाश देती हूं, मैं माइनॉरिटी विंग को शाबाश देती हूं, जितनी बड़ी ये ताकत मुस्लिम लीग नून के पास है और अब माशाल्लाह डिसिप्लिन के साथ ऑर्गेनाइज्ड है, अल्लाह ताला का शुक्र है ये ताकत किसी और के पास नहीं है। I must tell you that I am very, very, very proud of you. अब मैं उनको दावत देना चाहूंगी जिन्होंने नवाज शरीफ साहब का बाजू बनकर, उनकी स्ट्रेंथ बनकर, जिस तरह मुश्किल हालात में नवाज शरीफ साहब का परचम बुलंद रखा और बतौर सदर भी बतौर भाई भी जिस तरह से वफा उन्होंने अपने कायद अपने भाई के साथ निभाई। मैं मिस्टर प्रेसिडेंट जरा इधर देखें प्लीज, मैं आपको पीएमएलएन की तरफ से सलाम पेश करना चाहती हूं और अंकल मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जो वफा आपने अपने भाई के साथ निभाई है 21 अक्टूबर आपकी उन वफाओं की समर का दिन है, तो आपसे बेहतर आज इस हॉल में कोई मौजूद नहीं है
जो इस तराने को लॉन्च करे। सर आप प्लीज स्टेज पर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब बैठे प्लीज। थैंक यू। सब बैठे। तराना लॉन्च होने से पहले मेरे साथ नारा लगाएं, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, वजीर आजम,